गुरु बनाने के लिए शिष्य की क्या पात्रता होनी चाहिए आचार्य जी? जिस क्षण तुम शिष्य बन जाते हो उसी क्षण जो है गुरु प्रकट हो जाता है। तुम गुरु बना नहीं सकते, तुम बस शिष्य हो सकते हो। जैसे ही तुम अपने भीतर जो है शिष्य बन जाते हो, गुरु जो है तुम्हारे सामने प्रकट हो जाता है, गुरु तुम्हें स्वीकार कर लेता है। और तुम सोच के जो है किसी को गुरु नहीं बना सकते, तुम सोच के जो है शिष्य भी नहीं हो सकते। शिष्यत्व जो है एक घटना है, शिष्यत्व एक घटना है जिसके अंदर हमें हमें ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं एक हमारे जो आध्यात्मिक यात्रा है वो हमारी शुरू हो गई और वो हमारे शरीर और मन के जो है वो पार है। तो शिष्य की पात्रता तुम पूछती हो, शिष्य होना ही अपने आप में बहुत बड़ी पात्रता है। जब मैं अभी पीछे एक्सप्लेन कर रहा था शिष्य और छात्र में क्या फर्क होता है, कि स्टूडेंट और डिसाइपल में क्या फर्क होता है, शिष्य जो है अपने आप को समर्पित करने के लिए तैयार है, कि उसके लिए जो है सिर्फ ज्ञान ही नहीं चाहिए उसको, अब उस ज्ञान को उसने जीना है, अपने जीवन में उतारना है। लेकिन जो छात्र है वो सिंपली जो है अभी उसको ज्ञान ही चाहिए, उसको सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए। और जब तक, अब ये तुम्हें देखना है कि तुम्हारे जीवन में क्या वो क्षण आ गया है कि जब तुम्हें लगता है कि जब क्या तुम्हारी प्यास हो गई है कि तुम्हें जो है उस गुरु के पास होना है। अगर वो प्यास हो गई है तो ज्यादा समय नहीं लगेगा, वो गुरु जो है तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा किसी ना किसी ढंग से, किसी ना किसी समय। लेकिन जब तक वो प्यास नहीं हुई है तब तक एक टीचर ही सामने आएगा, तुम्हारे अकॉर्डिंग, तुम्हारी नीड के अकॉर्डिंग जो है एग्जिस्टेंस तुम्हें जो है वो व्यक्ति भेज देती है। तो जिस दिन तुम शिष्य हो जाते हो गुरु प्रकट हो जाते हैं, और गुरु सिंपली जो है एक संबंध जो उसके साथ बनता है गुरु के साथ वो है प्रेम का संबंध, जो कि बहुत कहीं ना कहीं गहरा जाता है, जो कि बियॉन्ड जाता है। इसलिए गुरु के साथ जुड़ने का अर्थ है कि तुम जब अपना सब कुछ दांव पे लगाने के लिए तैयार हो, कि वहां पे कुछ भी बचाना नहीं चाहते, कि तुम पूरा अपने आप को जो है खोल कर जो है अपने गुरु को जो है अपने बारे में बता देना चाहते हो, कुछ भी अब जो है छुपाने को नहीं रहा, कि मैं अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करता हूं आपको, फिर गुरु संभाल लेता है। और गुरु जो है वो सिंपली जो है एक सोर्स है, एक द्वार है, जो तुम्हें डिवाइन के थ्रू जो है, जो तुम्हें उस अपार, उस अनंत के साथ जो है वो जोड़ देता है। वो भी क्या जोड़ता है, वो तो होता ही नहीं है, धीरे धीरे तुम जो है उस स्रोत के साथ जुड़ जाते हो, क्योंकि गुरु जो है धीरे धीरे एक कला सीख गया है ना होने की, वो ना कुछ हो गया है। और जितना वो ना कुछ हो जाता है उतना जो है शिष्य उसके करीब आ जाता है, और शिष्य को भी जो है उस ना कुछ होने का जो है स्वाद लग जाता है। तो पात्रता जिसको तुम बोलते हो एक ही पात्रता है, जब तुम जैसे ही तुम शिष्य हो जाते हो गुरु तुम्हारे जीवन में घट जाता है, फिर चाहे तुम उसके पास हो भी ना तब भी घट जाता है। वो कुछ ऐसी घटना है कि वो शरीर के पार की भी बात है। हाँ, शरीर में वो गुरु मिले, शरीर में उसके दर्शन हो तो वो बहुत कारगर है, बहुत सुंदर है, लेकिन अगर वो शरीर में ना भी हो तब भी कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि तुमने तुम्हारे भीतर जो है वो जो गुरु जो है वो तुम्हारे हृदय में प्रवेश कर गया और तुम्हारी जो यात्रा है वो शुरू हो गई। सो ये गुरु और शिष्य की बात है।